हेलो राधे राधे, आप सब कैसे हैं। मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। घर और किचन के बहुत से ऐसे मुश्किल काम होते हैं जिन्हें हम सोचते हैं आसान तरीके से और कम समय में कर पाएंगे, लेकिन जब इन्हीं कामों को करने बैठते हैं तो उसमें हमारा काफ़ी समय और पैसा दोनों लग जाता है, जिससे हमारे ज़रूरी काम रुक जाते हैं। लेकिन आज मैं आप लोगों के लिए ऐसी यूज़फुल टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर के आई हूँ, जिसका इस्तेमाल करने से आप अपने समय और पैसे दोनों की बचत कर सकती हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मेरी पहली टिप बहुत ही यूजफुल है। अगर लोगों के दांत उनके दांतों से खून आता है, कीड़े लग गए हैं, मसूड़े में सूजन आ गई है या फिर मुंह से बदबू आती है, उसके लिए बहुत ही बढ़िया सलूशन लेकर के आई हूँ। आपकी सारी प्रॉब्लम खत्म होने वाली है। आपको यहाँ पे क्या करना है, आधा ग्लास नॉर्मल पानी लेना है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं लेना है, सिर्फ आधा ग्लास आपको पानी लेना है। उसके बाद यहाँ पे ले लेना है देसी गुड़। तो यहाँ पे देसी गुड़ आपको करीबन 2 भेलियाँ लेनी है, छोटी छोटी। आप चाहे तो यहाँ पे गुड़ को क्रश करके रख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैंने सिर्फ गुड़ इस तरह से डाल दिया है, ये जैसे ही पानी में जाएगा मेल्ट होने लगेगा, अब पूरी तरह से पानी में घुल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, गुड़ को आपको पूरा अच्छे से पानी में मिक्स करना है, बिल्कुल भी गुड़ नहीं रहना चाहिए। जब गुड़ पानी में अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें और ऐड करूँगी जो आपके दांतों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाएंगी। कीड़े वगैरह होंगे उससे भी आपको काफ़ी राहत मिलेगी, दर्द में भी आपको राहत मिलेगी। यहाँ पे देखिए, पानी में मैंने गुड़ अच्छे से मिक्स कर दिया है। उसके बाद आपको ले लेना है यहाँ पे टाटा नमक, जो हम लोग अपने किचन में यूज़ करते हैं। अगर आप यहाँ पे सफ़ेद नमक यूज़ नहीं करती हैं, सेंधा नमक का इस्तेमाल करती हैं, तो आप यहाँ पे उतनी ही क्वांटिटी में सेंधा नमक का भी यूज़ कर सकती हैं। दोनों ही ऑप्शन बहुत अच्छे हैं। मैं यहाँ पे सिंपल नमक का यूज़ कर रही हूँ। आधे चम्मच से कम आपको यहाँ पे नमक डालना है, पानी में मिक्स कर देना है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग लेंगे वाइट विनेगर, जो चाइनीज़ खाने में यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आपको डालना है करीब आधा चम्मच। अगर आपके पास वाइट विनेगर नहीं है तो आप यहाँ पे आधा नींबू का रस भी ऐड कर सकती हैं, लेकिन मैं यहाँ पे विनेगर डालूँगी। विनेगर बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, जो मुँह की बदबू आती है, जो सड़न पैदा होती है, उसको पूरी तरह से ख़त्म करने में बहुत ज़्यादा कारगर है। यहाँ पे तीनों चीज़ें हम लोगों ने मिक्स कर लिया। इसको कैसे इस्तेमाल करना है, अक्सर बहुत लोगों को दांतों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, ठंडा पानी लगता है, मसूड़ों से खून आता है, दांतों में दर्द है, कीड़ा है या मुँह से बदबू आती है, उनको बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी। आपको क्या करना है, सुबह ब्रश करने के बाद इस पानी से आपको 2 से 3 बार कुल्ला करना है। उसके बाद जब दोपहर में आप खाना खाते हैं उसके बाद फिर से आपको कुल्ला करना है, और रात में भी आपको यही क्रिया अपनानी है। आपको इस तरह इस काम को आपको 2 से 3 दिन करना है, आपके दांतों में बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी। तो बहुत ही यूज़फुल ट्रिक है, आजमा कर ज़रूर देखिएगा। अगली यूज़फुल टिप मेरी यहाँ पे मोबाइल फ़ोन को चार्ज करने के लिए है। अक्सर घर में या बाहर भी हम लोगों को कहीं मोबाइल को चार्ज करना होता है तो कहीं स्पेस नहीं होती जिससे हम लोग मोबाइल को रख सके ताकि वो अच्छे से चार्ज हो जाए। स्पेस ना होने के पीछे हम लोग मोबाइल को ऐसे कहीं नहीं रख सकते क्योंकि उनके गिरने के चांस ज़्यादा रहते हैं। तो बहुत ही सिंपल और यूज़फुल ट्रिक बताऊँगी। आपको क्या करना है, इस तरह से पॉलीथीन लेनी है। इस तरह की पॉलीथीन सभी के घर में इजी तरीके से मिल जाती है। आपको पॉलीथीन लेनी है और चार्जर का जो पोर्शन है आपको इस तरह से मोबाइल पॉलीथीन के अंदर डाल देना है और चार्जिंग करने के लिए लगा देना है। पॉलीथीन मजबूत होती है, आप इस तरह से जब मोबाइल को डालेंगे तो बिल्कुल भी टेंशन फ्री हो जाएंगे, मतलब कोई भी टेंशन नहीं रहेगी। आप इसको इस तरह से चार्जर में अटका दीजिए, पॉलीथीन को इस तरह से अटकाने से क्या होगा, पॉलीथीन में मोबाइल अच्छे से चार्ज होगा, गिरने की कोई टेंशन नहीं रहेगी और ना हम लोग को सोचना पड़ेगा कि मोबाइल को कहाँ रख के चार्ज करें। आप कहीं सफ़र में जा रहे होंगे तो इस ट्रिक का यूज़ करेंगे तो बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाएंगे और मोबाइल भी आपका अच्छे से चार्ज होगा और ना ही बिल्कुल ये गिरेगा। बहुत ही यूज़फुल ट्रिक है, छोटी सी है, एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। अगली टिप मेरी यहाँ पे पोहे को लेकर के है। पोहे बहुत लोगों को पसंद है, अक्सर सभी लोगों के घर में बनता है तो वो स्टोर करके भी पोहे को रखते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि पोहे में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या होती है कि जैसे 15 या 20 दिन के बाद ही पोहे में अजीब से कीड़े लग जाते हैं या अजीब सी स्मेल आने लगती है, ख़राब होने लगता है। मौसम जैसे ही चेंज होता है पोहे ख़राब होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। आपको बहुत ही यूज़फुल ट्रिक बताऊँगी जिसे आप पोहे को 2 से 3 महीने आराम से स्टोर करके रख सकते हैं और ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, पोहा इस तरह से छन्नी में डालना है और इस तरह से छान लेना है। छानने से क्या होगा, पोहे में आपने देखा होगा जो महीन महीन चूरा होता है ना, वो पूरा निकल करके प्लेट में आ जाएगा। तो ये काम आपको ज़रूर करना है अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में पोहे को लाती हैं। आपको महीने 2 महीने स्टोर करना है और ये बिल्कुल भी ख़राब ना हो तो आपको इस तरह से अच्छे से छान लेना है। तो यहाँ पे देखिए, इस तरह से जो महीन चूरा निकलता है ना, यही सबसे बड़ा कारण होता है कि पोहा बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है, उसमें कीड़े लग जाते हैं। क्योंकि जो कीड़े होते हैं ना, सबसे पहले इस तरह से महीन पाउडर में लगते हैं, फिर वो धीरे धीरे करके पूरे पोहे में हो जाते हैं, जिससे क्या होता है, पोहा हम लोग का ख़राब हो जाता है और वेस्ट भी करना पड़ता है। तो आपको बस इस ट्रिक का यूज़ करना है, जब भी आप पोहे को लेके आएँ सबसे पहले आपको पोहे को छान लेना है।
फिर इसको किसी टाइट कंटेनर में भरकर रख देना है। इससे क्या होगा, जो पोहे में कीड़े लगते हैं वो चांसेस पूरे खत्म हो जाएंगे, बिल्कुल भी पोहे में कीड़े नहीं लगेंगे। आप इसको आराम से 2 से 3 महीने स्टोर करके रख सकती हैं, या तो आप धूप दिखा दे तब भी कीड़े नहीं लगेंगे। बहुत ही यूजफुल आइडिया, आजमा कर जरूर देखिएगा। अगली टिप यहाँ पर करके है, अक्सर प्याज खाना सभी को खाना इस्तेमाल करते ही हैं, साथ कच्चा भी खाना पसंद करते हैं, तो लोग ज़्यादा क्वांटिटी में इस तरह से प्याज को ला करके रख देते हैं। लेकिन गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही है कि प्याज बहुत खराब हो जाता है, बहुत ज़्यादा स्मेल आती है। तो बहुत ही यूज़फुल ट्रिक बताऊंगी, अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में प्याज को लेकर के आते हैं वो जल्दी ख़राब ना हो, तो आपको इस ट्रिक को ज़रूर अपनाना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, मैं थोड़ी सी प्याज लेकर के आई हूँ, मेरे पास अभी थोड़ी सी ख़त्म हो गई है, तो मैं आपको इतनी प्याज में बताऊंगी इसको कैसे स्टोर करना है। आप करीबन 3 से 4 किलो प्याज लाती हैं, इसको स्टोर करना है, तो सबसे पहले इस तरह की आपको बास्केट लेनी है जो चारों तरफ से खुली हो। उसके बाद आपको क्या करना है, एक न्यूज़पेपर को लेना है, इस तरह से डाल देना है। न्यूज़पेपर का इस्तेमाल करने से 2 फायदे होंगे। सबसे पहले, जब हम लोग प्याज रखते हैं, आपने देखा होगा इसका महीन चूरा या छिलका बहुत ज़्यादा निकल के डलिया से बाहर आ जाता है, उससे भी ये सेफ हो जाएगा, बिल्कुल भी गंदगी नहीं फैलेगी। और जो नमी होती है ना प्याज में हल्की हल्की, जिसकी वजह से प्याज खराब हो जाती है, अगर एक प्याज खराब होता है तो दूसरी भी प्याज बहुत जल्दी खराब हो जाती है। अब आपको यहाँ क्या करना है, इस तरह से न्यूज़पेपर लेना है, इस तरह से गोले बना लेने हैं। तो पहले थोड़ी क्वांटिटी में प्याज को डालना और इस तरह से गोले बीच बीच में लगा देने हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैंने पहले थोड़ी प्याज डाली, उसके बाद इस तरह से न्यूज़पेपर के गोले बनाए, फिर से आपको इसके ऊपर प्याज डालनी, फिर से न्यूज़पेपर के गोले बनाने हैं और इस तरह से बीच में फंसा देने हैं। इससे क्या होगी, जो हम लोगों की प्याज है लंबे समय तक चलेगी। जो प्याज आपकी 10-15 दिन में ख़राब हो जाती थी, जिससे क्या होता था पूरी प्याज भी धीरे धीरे ख़राब होने लगती थी, वो टेंशन पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। प्याज करीबन 2 से 3 महीने आराम चलेगी, 2 महीने तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। आप ज़्यादा क्वांटिटी में भी ला करके रखेंगी तो आप टेंशन फ्री हो जाएगी। और इस ट्रिक को ज़रूर अपना के देखिएगा, बहुत ही यूज़फुल ट्रिक। अगली टिप मेरी यहाँ पे, इस तरह से मस्कारा हो या फिर लाइनर है, सभी लोग लगाना पसंद करते हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल हम लोग बहुत कम करते हैं। कुछ ही समय बाद आपने देखा होगा ये सूखने लगता है, जब सूखने लगता है तो हम लोग का वेस्ट भी हो जाता है, हम लोग बेकार समझ करके उसे फेंक देते हैं। लेकिन एक यूज़फुल ट्रिक बताऊँगी जिससे फिर से आप बिल्कुल उसी तरह यूज़ कर सकती हैं, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आपको क्या करना है, यहाँ पर ले लेना है गुलाब जल। गुलाब जल सभी के घर में अवेलेबल होता है, ये बहुत कई तरीक़ों से काम में आता है। आपको यहाँ पे करना 2 से 3 ड्रॉप इस तरह से लाइनर में डाल देना है, ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं, 2 से 3 बूंद डालिएगा। और फिर क्या करना, आपको इसको अच्छे से हिला देना है ताकि अच्छे से ये जितना भी गुलाब जल है इसके अंदर मिक्स हो जाए। आप देखेंगे ये बिल्कुल पहले की तरह हो जाता है, जिसे हम लोग लगाते हैं उसी तरह से वर्क भी करेगा। जब ये सूख जाता है तो अच्छे से लगता नहीं है, अगर ध्यान ना दे तो हम लोग ये पूरी तरह से सूख जाता है, जिससे हम लोग के पैसे भी वेस्ट हो जाते हैं। लेकिन इस ट्रिक को जब आप अपनाएंगे ना तो ये वैसे ही पहले की तरह वर्क करेगा, जैसे हम लोग बिल्कुल न्यू ले करके आए हैं। चलिए आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर बस, यहाँ पर मैंने 2 से 3 बूंद गुलाब जल डाला है। ये देखिए, गुलाब जल डालने के बाद ही ये बहुत ही अच्छे से वर्क कर रहा था, जो पहले तो पूरी तरह से सूख गया था, अच्छे से वर्क नहीं कर रहा था। गुलाब जल की कुछ बूंदें डालते ही ये अच्छे से वर्क करेगा, आप लाइनर बहुत ही स्मूथली लगा पाएंगी। है ना, बहुत ही यूज़फुल आइडिया, सिंपल सा आइडिया था, छोटी सी ट्रिक थी जो आप लोगों के साथ शेयर की है। आप मेरा वीडियो किस गाँव या शहर से देख रहे हैं कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं जान सकूँ कि मेरा वीडियो कहाँ कहाँ तक जा रहा है। यहीं पे मैं अपनी वीडियो का एंड भी करती हूँ। मेरी आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, थोड़ी भी पसंद आ रही है तो प्लीज़ उसे लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पहली बार देखनी तो सब्सक्राइब जरूर करिए।